डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम से ही अंग्रेज लोग कांपते थे, इतना खौफ था अंग्रेजों में उनके नाम का। उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि जीते जी उन्हें अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। ये क्लास फाइव का हिंदी बुक है, चैप्टर 20 है, चंद्रशेखर आज़ाद। इस चैप्टर का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हीं के नाम से दिया हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। अठारहवीं सदी के अंत में बाहर से आए अंग्रेजों का राज आरंभ हो गया। 1857 ईस्वी में देश ने स्वाधीनता के लिए युद्ध किया था। इस युद्ध में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। वह संग्राम असफल हो गया, अंग्रेजी राज जम गया, पर देश चुप नहीं बैठा। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज हिंदुस्तान को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। हालांकि वे उससे पहले आए थे, लेकिन जमने में उसको भी समय लगा। तो 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई और इसमें महारानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी योगदान रहा। लेकिन फिर भी ये स्वतंत्रता संग्राम जो था वो असफल हो गया, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कैसे लड़ना है, क्या करना है, सभी को आइडिया नहीं था। फिर भी जो अंग्रेज जब इस स्वतंत्रता संग्राम को नाकाम कर दिए, तो और अच्छी तरह से उनका राइज जो है यहाँ पे जम गया। लेकिन देश के लोग चुपचाप नहीं बैठे, उसको भी एक हौसला मिला कि नहीं, अगर पहली लड़ाई लड़ सकते हैं तो अगर हम लड़ते रहें तो ज़रूर हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। 20वीं सदी के आरंभ में आंदोलन आरंभ हुआ। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब 20वीं सदी में जब आंदोलन आरंभ हुआ तो उस समय कई बड़े बड़े लीडर हो गए थे जो उन लोगों के खिलाफ लोगों को रास्ता बतला रहे थे कि किस तरह से लड़ना है, कैसे चलना है। इस तरह से कई सारे लीडर थे जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम प्रमुख हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बुंदेलखंड के थे। सन 1906 ईस्वी में श्री सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के परिवार में चंद्रशेखर ने जन्म लिया था। किशोरावस्था में ही चंद्रशेखर देश की आज़ादी के लिए बेचैन होने लगे। बनारस में पढ़ते हुए क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। उस समय जो कोई भी देश के बारे में सोचता था वो क्रांतिकारी ही बन जाता था। तो क्रांतिकारी जो सशस्त्र मतलब हथियार से लड़ने का रास्ता अपना चुके थे, उसे क्रांतिकारी कहा जा रहा था। लेकिन दोनों का लक्ष्य वही था, दोनों का लक्ष्य आज़ादी ही था। तो जिसमें से खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का नाम प्रमुख है, इन लोगों का नाम आता है उसमें। और चंद्रशेखर आज़ाद बुंदेलखंड से थे, 1906 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। और वे किशोरावस्था में जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से वे देश की आज़ादी के बारे में सोचने लगे थे। बनारस में पढ़ते हुए वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे और वे क्रांतिकारी स्वयं भी बन गए। 1921-22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के बाद प्रचार का कार्यक्रम चल रहा था। मित्र सुखदेव ने नोटिस की एक प्रति चंद्रशेखर को दी और कहा कि इस नोटिस को पुलिस कोतवाली के सामने बिजली के खंभे पर चिपका देना। कुछ ऐसा नोटिस था जो क्रांतिकारी आम आदमी को कुछ बताना चाहते थे, इस तरह का नोटिस था, या फिर दूसरे क्रांतिकारी को बताना चाहते थे। तो ऐसे नोटिस को जो है इधर उधर कहीं भी चिपकाना मना रहता था। इस कार्य को बहुत ही सावधानी और सतर्कता से करना पड़ता था। तो वैसे ही एक नोटिस को सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद को दे दिया कि इसको जो है पुलिस थाने के सामने जो बिजली का खंभा है उसमें चिपकाना है। तो उसने इस खतरनाक काम को अपने हाथ में ले लिया। चंद्रशेखर ने सहर्ष इस खतरनाक काम को अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी देर सोचा, मुस्कुराकर योजना बना ली। जब देखिए उन लोगों का दिमाग भी इतना चलता था, होता यह था कि ज़्यादातर क्रांतिकारी लोग अपना वेश बदल कर चलते थे, जिसके कारण अंग्रेज लोग उसे पहचान नहीं पाते थे और वो बचकर निकल जाते थे। तो वे एक योजना बना लिए, मुस्कुराकर जिस तरफ छपाई थी उस तरफ किनारों पर थोड़ी लेई लगा दी। तो देखिए यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, इनके पीठ में जो सटा हुआ है, यही नोटिस है। और जिधर छपाई हुआ था उधर थोड़ी सी लेई लगा दी और अपनी पीठ पर चिपका लिया। नोटिस की दूसरी तरफ अधिक लेई लगा दी और फिर वेश बदल कर नोटिस चिपकाने चल पड़े। अब इस तरह से अपना हुलिया बना लिए एक आम आदमी की तरह कि उसे कोई पहचान ना पाए, और पीठ में नोटिस चिपका के और चले। तो फिर कैसे क्या हुआ, आइए देखते हैं। वे अपनी पीठ पर उल्टा नोटिस चिपकाकर अंग्रेज सिपाही के पास आ गए। तो अंग्रेज सिपाही जहाँ पे वे गार्डिंग कर रहे थे वहाँ पे आ गए। वह सिपाही खंभे के पास ही खड़ा था और उसी खंभे में चिपकाना है, तो फिर कैसे चिपकाया जाए। चंद्रशेखर ने बड़े साहस और धैर्य के साथ
खंभे की ओर अपनी पीठ करके सट कर खड़े हो गए। सिपाही से बातचीत भी करने लगे। सिपाही संदेह नहीं कर सका, एक आम आदमी की तरह उनसे पूछताछ करने लगे, कुछ भी इधर उधर की बातें करने लगे और खंभे में थोड़ी देर सट के खड़े रहे। तो ले ज़्यादा लगा हुआ था, थोड़ी देर अगर सट के खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो चिपक ही जाएगा। तो इस तरह से क्रांतिकारी चंद्रशेखर की पीठ खंभे से सटी हुई थी, पीठ पर का नोटिस खंभे पर चिपक गया। अब यहाँ पे देखिए कितना दिमाग लगा के नोटिस को वहाँ पे चिपका दिया, पुलिस की मौजूदगी में ही उसके पास ही वो नोटिस चिपका दिया। उन्हें इसका अंदाज़ा मिल गया, उन्होंने सिपाही जी को सलाम किया और फिर विनम्र भाव से वापस लौट गए। अब वहाँ पे बात करते करते इतनी देर खड़े रहे कि वो चिपक गया, उनको पता चल गया और वे वहाँ से फिर निकल गए। थोड़ी देर के बाद आते जाते लोगों की नज़र खंभे पर चिपके नोटिस पर पड़ी, पढ़ने वालों की भीड़ लग गई। उस समय कोई भी इस तरह का नोटिस हुआ करता था तो लोग भीड़ लगाकर पढ़ने लगते थे। यह देखकर सिपाही हैरान रह गया, वहीं खड़ा रहने और सावधान रहने पर भी नोटिस कहाँ से आ गया। अब सिपाही इस तरह से सोच रहा है कि मैं तो यहीं पे हूँ, फिर ये अभी तो कोई नोटिस नहीं था, फिर ये नोटिस कहाँ से आ गया, कौन चिपका गया, कौन आंखों में धूल झोंक गया, कौन उसे उल्लू बना गया। पर चंद्रशेखर तो बुद्धिमानी और साहस से नोटिस चिपका कर चले गए थे। अब इस तरह का वे दिमाग लगाए और अपना काम करके चले गए। इस तरह से वे लोग कई सारे कारनामे क्या करते थे और लोगों को भी मदद क्या करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद बन चुके थे, आज़ाद मतलब उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता था। उनका क्रांतिकारी संगठन झांसी से प्रयाग तक अंग्रेजों को धूल चटा रहे थे। अंग्रेज परेशान थे, वे आज़ाद को कैद करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। सन 1931 ईस्वी की फरवरी में वे अपने साथियों के साथ प्रयाग में छिप कर रह रहे थे। सरकारी गुप्तचर को पता चल चुका था वे नगर के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से घिर गए थे। उनके नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया था और उनके जितने भी साथी थे अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, अंग्रेज़ों को मार रहे थे और अंग्रेज लोग इससे परेशान काफ़ी परेशान हो चुके थे। वे उनको पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिए लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। तो 1931 ईस्वी की बात है, फरवरी में अपने साथियों के साथ प्रयाग में छिपकर रह रहे थे। सरकारी गुप्तचर को पता चल चुका था, जब किसी न किसी तरह से उन लोगों को पता चल गया और वे नगर के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से घिर गए। अल्फ्रेड पार्क उस समय का पार्क जो थे वो जो अंग्रेज़ के नाम से ही रखा जाता था, अल्फ्रेड पार्क ये है। तो वहाँ पे किसी तरह से वे अंग्रेज़ों के द्वारा घिर गए। उन्होंने अकेले सबसे लोहा लिया, उनके पास काफ़ी सारी गोलियाँ रहा करता था, पिस्टल हुआ करता था और अकेले ही सारे लोगों को मारते रहे, अनेकों को घायल कर दिया, बहुत सारे अंग्रेज़ों को घायल कर दिए, पर वह सिंह सपूत शहीद हो गया। लेकिन वे अंत में देखे कि मुमकिन नहीं है मारना, पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे तो उनके पास गोलियाँ ख़त्म हो चुका था, जिसके कारण जब वे देखे कि गोली मेरे पास नहीं है और मैं उन लोगों को मार नहीं पाऊँगा तो वो जो प्रण लिए हुए थे कि मुझे कभी भी जीते जी नहीं आप पकड़ सकते, तो इसीलिए वह अंतिम गोली वे स्वयं को मार लेते हैं। मृत्यु के बाद भी सिपाही उनके शव के पास आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अब इतने ज़्यादा वो उनके नाम से खौफ था कि सिपाही उनके शव के पास आने से पहले उनके शव पे गोली चलाते हैं, उनके पास आने का साहस नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कोई नाटक कर रहे हो, फिर उठ के मारने लगे, इसलिए वो डर से नहीं आ रहे थे। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी आज़ादी के दीवाने। उस समय के जितने भी क्रांतिकारी थे सभी इसी तरह के साहसी और वीर क्रांतिकारी थे जो देश के लिए अपने प्राण दे दिए और उन्हीं के कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमें समझना होगा, आज़ादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसा कि सभी चैप्टर में दिया हुआ है, 1 नंबर में पढ़े और समझे, यहाँ पे हिंदी शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़ लें, संभव हो तो इसे याद भी कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 में पाठ से ढूंढकर शब्दों को पूरा करें। यहाँ पे जो दिया हुआ है बीच बीच में लेटर छूटा हुआ है तो उसमें भरकर उसको पूरा शब्द बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, इनके विलोम शब्द लिखें, इसका उल्टा शब्द लिखना है। 4 नंबर में मुहावरे यहाँ पे दिया हुआ है, मुहावरे बना हुआ है, हाथ में लेना, जिम्मेवारी लेना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का मुख्य क्वेश्चन है, तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ। यह है चैप्टर 20 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पाठ से ढूंढकर शब्दों को पूरा करें, तो यहाँ पे पूरी तरह शब्द बना दिया गया है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर्स में लिखा हुआ है वही शब्द जो वही लेटर जो है वहाँ पे बीच में छूटा हुआ है और ये ब्लैक लेटर जो है वहाँ पे भर जाएगा और पूरी तरह ये शब्द बन जाएगा, जैसे कि स्वाधीनता, लोकमान्य, जनसंपर्क, आज़ादी, कोतवाली। और ये क्वेश्चन नंबर 3 में इनके विलोम शब्द लिखें, तो यहाँ पे विलोम शब्द लिखा हुआ है, बाहर का अंदर, इस तरह से सारे शब्दों का विलोम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सोचें और बताएं, अंग्रेजों का राज कब आरंभ हुआ। 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों का राज आरंभ हो गया था। सन 1857 ईस्वी में क्या हुआ था।
सन 1857 ईस्वी में आज़ादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। वे कहाँ के थे तथा कहाँ पढ़ते थे? वे बुंदेलखंड के थे तथा बनारस में पढ़ते थे। उन्होंने बनारस में कौन सा काम किया? उन्होंने बनारस में आंदोलन के प्रचार का काम किया। सिपाही कैसे बेवकूफ बना? चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी साहस और बुद्धिमानी से नोटिस को पुलिस कोतवाली के सामने बिजली के खंभे पर चिपका दिया। इस प्रकार सिपाही बेवकूफ बन गया। अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ? अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया। उन्होंने अकेले ही सबसे लोहा लिया। अंततः वह सिंह सपूत शहीद हो गया। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।